हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ आनंदिता। क्रिएटिविटी एडमी पे आप सबको स्वागत है। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था ना, कुछ सरप्राइज आने वाले हैं। जी हाँ, सरप्राइज तो आज है। मैंने फ्रूट्स पुलाव बनाई थी गुरु पूर्णिमा की टाइम पे। वो रेसिपी मेरा नहीं था, मेरी सासू माँ की थी। आज मैंने नहीं खाना बनाऊंगी, मेरी सासू माँ ने खाना बनाएंगी। नमस्ते, आज मैं मेरी बहू के साथ खाना बनाऊंगी, कोकोनट प्राण मसाला। आप लोग देखते रहे हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इंग्रेडिएंट्स में है आधा किलो प्रॉन, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, चॉप्ड टोमेटो, ग्रीन चिली, कोकोनट मिल्क, कोकोनट पेस्ट एंड मस्टर्ड ऑयल। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉन में 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर देके इसको अच्छे से मिक्स्ड कर लेते हैं। गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखें और ऑलरेडी पैन गर्म है, अभी इस पे ऐड करते हैं मस्टर्ड ऑयल। प्रॉन्स को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हल्का सा इसको अलट पलट कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी इसको एक प्लेट में डाल देते हैं। गरम है ही, अभी इस पे ऐड करते हैं चॉप्ड टोमेटो और थोड़ा सा नमक ताकि टोमेटो अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अभी इस पे ऐड करते हैं कोकोनट पेस्ट, हल्का सा इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इस पे ऐड करते हैं थोड़ा सा नमक। अभी इस पे ऐड करते हैं मस्टर्ड पेस्ट और ग्रीन चिली। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इस पे ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अभी इस पे ऐड करते हैं फ्राई हुआ प्रॉन्स को। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अभी इस पे ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून शक्कर। शक्कर देने का एक ही रीजन है, रेसिपी का जो स्वाद है और भी बढ़ा देता है। और अभी इस पे ऐड करते हैं कोकोनट मिल्क। अलग से पानी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अभी इसको 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में। फाइनली कोकोनट ब्रांड मसाला तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू बाहर आने लगी। अब लोग इसको राइस के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सर्विंग के पहले मम्मी इस पे ऐड कर रही है मस्टर्ड ऑयल।
अभी टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही अमेजिंग एज यूजुअल रॉकिंग टेस्ट है। प्लीज आप लोग घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू सो मच।